मेरे सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त इस वीक पूछे गए हैं के में तो उससे हम डील करेंगे लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस सेशन को आप लोग लाइक कर लीजिए शेयर कर दीजिए जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा ट्विटर जहाँ पर भी आप इसे शेयर मार सकते हैं तो सबसे पहले जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो लाइक कर लो हेलो एवरी वन हेलो अंकित गुड मॉर्निंग राहुल गुड मॉर्निंग सुनील और ये बहुत ही एक मजेदार सीरीज हो सकती है आप लोगों के लिए क्योंकि यूट्यूब में पहली बार ऐसा कोई सेशन आ रहा है जिसमें कौन बनेगा करोड़पति जो कि हमारे सोनी चैनल पे आता है रात के नौ बजे तो उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं अब हर क्वेश्चन तो, को तो मैं नहीं कह सकती कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो लेकिन हाँ फिर भी काफी क्वेश्चन उसमें से मिला जुला कर ही पूछे आपको जा सकते हैं आप इतने साल के रिकॉर्ड्स भी देखेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ जाएगी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं आप लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर भी देते रहिएगा ठीक है तो जैसे जैसे आंसर देंगे फिर उसके बाद में हम यहाँ पे उसे एनालाइज करेंगे तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा द ब्लू चेक मार्क सीन आफ्टर द नेम्स ऑफ सर्टेन अकाउंट्स ऑफ फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम रिप्रेजेंट्स वॉट हिंदी में कहूँ तो फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कुछ खातों के नाम के बाद दिखाई देने वाले नीले चेकमार्क क्या दर्शाता है बताइए न्यू यूजर इंटरनेशनल यूजर प्राइवेट अकाउंट या फिर वेरीफाइड यूजर क्या है इसका आंसर बहुत बहुत yes. तो है वेरीफाइड यूजर ये क्यों होता है ये जनरली कौन लोग इसे यूज करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सेलिब्रिटीज हो आपके कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो पॉलिटिशियंस हो हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज तो आप जानते ही हैं तो ये लोगों के जो अकाउंट्स होते हैं तो जनरली इनके फेक अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं तो उस चीज़ को रोकने के लिए इस फेसबुक ट्विटर और इंस्टा क्या करता है कि एक ब्लू चेकमार्क बना देता है ऐसे खासकर इस तरह के अकाउंट्स के सामने जिससे ये पता रहे कि हाँ ये पर्टिकुलर इसी पर्सनैलिटी की रियल आईडी है बस इस वजह से आया समझ में चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं द ब्रदर्स अल्हा एंड उदल ऑफ बुंदेलखंड आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी इन विच ऑफ बैटल्स कौन सा बैटल था जो इन्होंने लड़ा था इनकी ब्रेवरी किस में पता चलती बताइए बैटल ऑफ मंदसौर बैटल ऑफ महोबा बैटल ऑफ कनान या फिर बैटल ऑफ अमरोहा ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं भी तो हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं बढ़िया 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 बहुत मस्त तो इसका आंसर है बैटल ऑफ महोबा याद रखिएगा। तो एक राजा थे पृथ्वीराज पृथ्वीराज थ्री तो इनके अगेंस्ट इनके अगेंस्ट अल्हा और उदल ये दो भाई थे जिन्होंने बहुत ही ब्रेवली लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ पृथ्वीराज थ्री के खिलाफ किस बैटल में बैटल ऑफ महोबा भले ये लोग हार गए लेकिन फिर भी इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया ये चीज याद रखिएगा है ना ये किस डिनेस्टी के लिए लड़ते थे ये लड़ते थे चंदेल डिनेस्टी चंदेल डायनेस्टी ये चीज ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऐप फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स आपको बताना है इसमें से ऑनलाइन पेमेंट के लिए कौन सा ऐप यूज नहीं होता जल्दी से बताइए पेटीएम फोन पे ट्रिवैगो पेपल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यस है ना तो ट्रिवैगो यूज किया है आप लोगों ने तो जब हॉलीडेज में जाना हो ठीक है वाइफ हसबेंड जिसके भी साथ आप हॉलीडे पे जाना चाहते हो तो ट्रिवागो का यहाँ यूज आप कर सकते हैं ना होटल बुकिंग्स में ये काम आता है और अपने हॉलीडे को आप बहुत अच्छा यहाँ पर बना सकते हैं किसके थ्रू ट्रिवागो के थ्रू बाकी तीन ऐप्स जो है ये आपके ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज किया जाता है ठीक है काफी इजी क्वेश्चन था लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस में भी लोग कंफ्यूज होते हैं जनरली वो लोग कंफ्यूज होंगे जो शायद टीवी नहीं देखते या फिर इस तरह के का नॉलेज नहीं रखते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द टाइटल ऑफ एक्ट्रेस नीना गुप्ता ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन टू बताइए 2021 में नीना गुप्ता की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या था सच का सामना सच और झूठ सच के सिवा कुछ भी नहीं सच कहूं तो <laughs> बताइए इसका आंसर बहुत बढ़िया बहुत सही आंसर लगता है आप लोग सब केबीसी देखते हैं गुड गुड वेरी गुड अच्छी चीज है केबीसी देखिए उसके बाद हमारे वीडियोस देखिए क्योंकि यहां आपको वही क्वेश्चन समराइज वे में मिल जाएंगे तो इसका आंसर है सच कहूं तो ठीक तो ये क्या है ये टाइटल है जो कि एक्ट्रेस है नीना गुप्ता तो उनकी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर ठीक याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है सिर्फ इनकी ही नहीं देखो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझना है क्या ये क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जाम में मुश्किल है लेकिन ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है तो हर बुक जो भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हो गए पॉलिटिशियंस हो गए इनसे रिलेटेड जो भी ऑटोबायोग्राफीज यहाँ पर आती हैं ठीक जो भी पब्लिश होती है हो, उस सबको आपको याद रखना है ये चीज ठीक है ध्यान रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये क्वेश्चंस कराने का हमारा मकसद ये नहीं होता कि इस क्वेश्चन को रट लो इसके आंसर को रट लो नहीं एक तरीका बताना कि क्या पूछा जा सकता है जैसे पहले की अगर मैं बात करूं ठीक है ऐप से रिलेटेड आ सकता है आपको क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है बैटल्स जो भी इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए बैटल ऑफ बक्सर प्लासी सरहिंद का बैटल सारे बैटल्स जितने भी इम्पोर्टेंट हैं है ना बाबर ने कितने बैटल लड़े तो ये आपको पता होना चाहिए किससे लड़े ये भी इम्पॉर्टेंट है और कौन जीता भले देखिए आपका अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो डेट्स रेयरली पूछता है लेकिन बाकी के कंसेप्चुअल चीजों को पूछना चालू कर दिया है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग <laughs> टू ब्रह्म देव अर्श प्रजापत्य आर टाइप ऑफ व्हाट आपको है धर्म सूत्र के अनुसार ब्रह्म देव अर्श प्रजापत्य क्या है किसके प्रकार है मैरिजेस प्रोफेशंस री टेक्स्ट वॉरियर यूनिफॉर्म्स और शेयर करते रहिए दोस्तों शेयर करना बहुत जरूरी है फिफ्टी प्लस तो अपन को करना ही है यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोग एक शेयर नहीं कर सकते चीजों को ठीक है तो शेयर करो बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया है ना तो इसका आंसर है मैरिजेस याद रखिएगा नहीं वॉरियर यूनिफॉर्म्स नहीं होते हैं ये मैरिजेस होती है टाइप ऑफ मैरिजेस ठीक है बहुत सारे डिफरेंट तरह की शादियां जिनके बारे में हमारे वेदों में दिया गया है तो सेम ब्रह्म देव अर्श और प्रजापत्य भी जो है ये टाइप ऑफ मैरिजेस हैं जिनके बारे में हमारे वेदों में दिया गया है याद रखिएगा इसका आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसका आंसर मैरिज है विच रिनोन्ड ऑथर्स इनिशियल स्टोरीज इंक्लूड दुनिया का अनमोल रतन पब्लिश्ड इन एन उर्दू जर्नल फ्रॉम कानपुर नेम्ड जमाना तो एक जर्नल है जमाना ठीक है तो उसमें छोटी छोटी स्टोरीज आती हैं किसकी दुनिया का अनमोल रतन नाम से है ना तो आपको बताना है कि किस ऑथर की ये इनिशियल स्टोरीज हैं बताइए क्वेश्चन हाँ अक्षय देखिए वो आपको करोड़पति बना रहा है ना तो करोड़पति में इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा इजी क्वेश्चन में तो सारे लोग करोड़पति बन जाएंगे तो कंपटीशन तो टफ करना है तो जो सबसे अलग रहेगा वही जीतेगा चलो तो इसके आंसर है सबसे फेमस मुंशी प्रेमचंद ठीक है याद रखिएगा क्या है आंसर मुंशी प्रेमचंद तो इनकी इनिशियल स्टोरीज हैं दुनिया के अनमोल रतन बहुत ही फेमस ऑथर हैं ये जैसे गोदान इनकी किताब है गोदान पढ़िएगा बहुत अच्छी है ईदगाह और अच्छी किताब है मतलब रोना आ जाए इतनी अच्छी किताब है ये मतलब ये बड़ी बड़ी उपन्यास है हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि छोटी कहानी है, दो दिन में खत्म हो जाएगी नहीं ये उपन्यास है बहुत बड़ी बड़ी जो हिंदी लिटरेचर करते हैं वो लोग इसे

नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विच ऑफ दीज इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री अकर्ड फर्स्ट आपको बताना है इसमें से सबसे पहले भारतीय इतिहास में कौन सी घटना हुई क्या पार्टीशन ऑफ इंडिया बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस क्विट इंडिया मूवमेंट वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत सही उम्दा प्रदर्शन है ना यस इट्स द बैटल ऑफ प्लासी जल्दी से मुझे बताओ पार्टीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ जल्दी से बताओ लाइन से है ना पार्टीशन पहले बताना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट मैं बात करूँ अगर बैटल ऑफ प्लासी की तो ये सेवनटीन फिफ्टी सेवन में हुआ था इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के खिलाफ सिराजुद्दौला सिराज उद्दौला का साइड किसने लिया था फ्रेंच आर्मीज ने है ना तो इनके साथ में फ्रेंच थे लेकिन ये लोग हार गए थे किससे ब्रिटिशर्स से और ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी इसको किसने लेट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने रॉबर्ट क्लाइव और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बंगाल पे पूरा अधिकार ब्रिटिशर्स का बैटल ऑफ प्लासी के बाद में आ गया था बहुत बढ़िया मंथन तो पार्टीशन हुआ 1947 फोर्टी सेवन में ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपने गलत लिखा है 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 1918 नहीं इट्स 1857 1857 ना तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया मूवमेंट 1942 जिसमें करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने तो ऐसे आपको हर टॉपिक के ऊपर में पूरी चीजें रटी होनी चाहिए है ना चलो और कहानी की तरह पढ़ोगे तो अपने आप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं Which of these political political parties was formed most recently? Political party recently party साइकिल साइकिल बताओ वो साइकिल से आ रहा था ना इसलिए उसको लेट हो गया आने में <laughs> रिसेंटली बना ना वो मतलब कि बाकी पार्टी से लेट गया साइकिल से आ रहा था धीरे-धीरे बताइए बढ़िया तो समाजवादी पार्टी किसने फॉर्म की थी सॉफ्ट है क्या थोड़ा सा okay. कोमल 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 से मेरे ही नाम से कुछ मिलता जुलता नाम है ठीक है तो बता सकते हो शायद समाजवादी पार्टी मुलायम <laughs> मुलायम सिंह यादव है ना कोमल मैम से याद कर लेना समाजवादी पार्टी को ठीक वैसे आ, मुझे नहीं पसंद ये पार्टी ठीक <laughs> है ये चीज तो याद रखिएगा 1992 1992 4th फोर्थ ऑफ अक्टूबर को समाजवादी पार्टी फॉर्म की गई थी मुलायम सिंह यादव के द्वारा ठीक है जिसका चिन्ह क्या है साइकिल फिर भी मोटे अभी तक पतले ही नहीं हो रहे साइकिल चला के भी चलिए आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पाली का और उसके बाद में आएंगे तरुण सर तो so, तरुण सर से फिर क्वेश्चन और आंसर का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रहेगा चलिए इन विच सिटी वुड यू फाइंड द चतुर्भुज टेम्पल हाउसिंग वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ जीरो इन न्यूमेरिकल फॉर्म बताइए ओरछा ग्वालियर भोपाल या फिर खजुराहो इसका आंसर क्या है अगर आपने के देखा भी होगा ना तो आपको शायद पता होगा इसी में ना वो एक ऐसा ही थी आई गेस जो आई थी वो इसी क्वेश्चन में आउट हुई थी इसका आंसर है जो केबीसी वालों ने लिया है दैट इज ग्वालियर ठीक है याद रखिएगा इसका आंसर क्या है ग्वालियर तो ग्वालियर में है चतुर्भुज टेम्पल जो कि किसको समर्पित है विष्णु भगवान को विष्णु भगवान के एक अवतार को ठीक है याद रखिएगा ग्वालियर अब इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है टेम्पल्स जितने भी है अब ये चार जगह दिए ना चारों जगहों में अगर कोई टेम्पल है कोई यूनिक चीज़ है तो वो आपको पता होना चाहिए ठीक है सिर्फ ऑप्शन इसलिए भी देता है कि ऑप्शन से रिगार्डिंग फिर चीज़ों को आप क्या करो लिख लो नोट्स बना लो याद कर लो ओके एंड विद दिस आई फिनिश माय पार्ट आई होप आपको क्वेश्चंस समझ आए होंगे पसंद भी आए होंगे वैसे मेरी चॉइस नहीं है तो के वालों की चॉइस है कुछ भी दिक्कत रहे तो आप हमसे पूछ सकते हैं चलिए तो मैं अब माइक देना चाहूंगी तरुण सर को ठीक है चलिए तो तब तक तरुण सर यहाँ सब रेडी कर रहे हैं अपने पीपीटीज़ हाँ चलो आप लोग बताओ तो खजुराहो को किस राजवंश ने बनाया था बहुत बढ़िया थैंक यू पुनीत थैंक यू वेरी मच तो आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही है ना हम्म hmm.

पार जाओ तो जैसे कि आज स्टार्ट आ, स्टार्ट किया है कोमल मैम के थ्रू हमने स्टार्ट किया और अब हम करने वाले हैं हमारा सेक्शन इट इटमीन्स जियोग्राफी करंट अफेयर इकोनॉमी के जो भी प्रश्न आने वाले उसके पहले उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दू इस महिला को कौन जानता है एक मोटिवेशन से शुरुआत हो जाए इस महिला को गौर से देखिएगा बच्चों मैं आपको एक बैकग्राउंड यानी कि एक मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं 2020 का एक केबीसी का जब सेशन स्टार्ट हुआ था ध्यान से समझना बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो एकदम क्विट कर देते हैं जो एकदम सरेंडर कर देते हैं मैं उनके लिए स्पेशली लेकर आने वाला हूं बहुत ही आराम से समझना ध्यान से समझना इस महिला का नाम था रूना साहा जो कि बंगाल की रहने वाली थी सर्च करिएगा कभी ये जो महिला है जब आप केबीसी प्ले लॉन्ग खेलते या फिर आप देखे होंगे fastest finger first तो ये उस वीक में सबसे लास्ट महिला थी जी हाँ मतलब ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाई थी जब इसके पहले वाले कैंडिडेट ने क्विट किया या फिर जो भी उसने गेम जब छोड़ा तब लास्ट डे था ये फ्राइडे था और फ्राइडे तक लिया जाता है जितने भी कंटेस्टेंट वहां पे बैठे रहते हैं नीचे में उनको सबको लिया जाता है तो एकमात्र महिला बची थी जो कि फास्टेस्ट फिंगर तक नहीं पहुंची थी और आपको जानकर आश्चर्य होगा इन्होंने अपना लास्ट क्वेश्चन जो खेला था, वो खेला था था वो 50 लाख का और 25 लाख ये घर लेकर गई मतलब आपको यदि यह लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो यह बिल्कुल गलत है ऐसा मत सोचना कब आपकी उम्मीद की किरण जाएगी कब आपका दरवाजा खुलेगा कब आपका किस्मत पलटेगा इसको कोई नहीं बोल सकता तो बस ऐसे ही इस मोटिवेशन के साथ हम करते हैं शुरुआत और ज्यादा से ज्यादा है आपको लाइक और शेयर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से कि यार दुनिया हाथ नहीं आती दुनिया ले ली जाती है तो एक बार दिल बना के कर देंगे बेहतरीन तरीके से स्वागत फिर मैं लेने आपके लिए प्रश्न थैंक यू सो मच गाइज एंड हम करते हैं स्टार्ट चलिए अरे रुलाऊंगा नहीं पगले मैं हंसाऊंगा ठीक <laughs> है चलो भाई एक बार कर देंगे बेहतरीन तरीके से स्टार्ट क्या बात है वेरी गुड बहुत किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है वो हो हो, इतना आसान सा प्रश्न है यार मतलब केबीसी वाली क्या क्या लेवल वा ले है भाई ओडिशा गुजरात मिजोरम गोवा क्या हो जाएगा बच्चों चलो बता दो क्या हो जाएगा इसका जवाब सहदेव वाला प्रश्न है कि नहीं जरा बताना क्या यह सहदेव वाला प्रश्न है बच्चों क्या यह सहदेव वाला प्रश्न है 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 ना बिल्कुल यस प्रश्न भाई क्या हो जाएगा मिजोरम मिजोरम हो जाएगा इसका आंसर एकदम ही इजी यार मतलब देखो क्या ही प्रश्न पूछा इन्होंने है ना बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है ठीक है चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन इसमें क्या ही दिखाओ ये देखो मिजोरम यहां पर नहीं है कॉस्ट लाइन बाकी तो कॉस्ट लाइन ही है ना अब आ गया भैया मैंगो मैंगो आपको बताना है कि विच सिटी कॉल्ड होम ऑफ एल्फाइंसो मैंगो एल्फाइंसो आम का घर किस शहर को कहा जाता है रत्नागिरी वाराणसी मालदा या फिर विजयवाड़ा आपके हिंद के लिए मैं बता दूं एमपीपीएससी में भी अभी जो हाल ही में हुआ था एमपीपीएससी में भी इस प्रकार का एक प्रश्न आया हुआ है याद रखेंगे समझना एमपीपीएससी से भी इन लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं और आपके हिंट के लिए मैं बता वेरी गुड मॉर्निंग आपके लिए हिंट के लिए मैं बता दू। भाई ये ये महाराष्ट्र में पढ़ने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र का जो सॉरी महाराष्ट्र का जो आपका फ्रूट होता है स्टेट फ्रूट वो भी आपका मैंगो ही है चलिए भाई वो वेरी गुड बहुत सुंदर जी हाँ रत्नागिरी रत्नागिरी करेक्ट आंसर है ना चलिए वेरी गुड बहुत सुंदर वेरी नाइस बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर ओके आगे देखते हैं इनमें से कौन सा देश पूरी तरह से यूरोप में पड़ता है भाई विच ऑफ दिस कंट्रीज फॉल एंटायरली इन यूरोप आपको बताना है क्योंकि इसको हमने कराया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में रशिया टर्की यूक्रेन या फिर कजाकिस्तान पूरी तरीके से जो यूरोप में पड़ता है चलो बताओ भाई पूरी तरीके से पड़ता है जो यूरोप में यह बताना है आपको है ना चलिए बताइए क्या बात है nice. यूक्रेन हो जाएगा इसका आंसर ठीक है ना यूक्रेन इज करेक्ट आंसर समझते हैं कैसे आप देखिएगा वर्ल्ड मैप यहां पर आपको नजर आ रहा होगा वर्ल्ड मैप आपको नजर आ रहा होगा बच्चों ऑप्शन में उन्होंने क्या क्या दिया था रशिया दिया था कजाकिस्तान दिया था ठीक है ना दिया दिया था टर्की दिया था एंड समझेंगे उन देशों को यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर नजर एक है बच्चा। इस माउंटेन का, 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 का नाम है यूराल और इस यूराल के इस पार का जो एरिया है वो कहलाता है एशिया और इस पार का जो एरिया है आपका यूरोप ठीक है ना तो ये देखिए रशिया जो है आधा यूरोप में पड़ेगा आधा एशिया में पड़ेगा टर्की यहां पे नीचे नजर आ रहा होगा ये भी कुछ पोर्शन एशिया कुछ यूरोप में पड़ता है साथ ही साथ कजाकिस्तान की यदि हम बात करें तो कजाकिस्तान कंप्लीटली एशिया में पड़ता है और यही पर बता दूं यूक्रेन पे एक परमाणु दुर्घटना हुई थी जरा बताएंगे क्या मुझे यूक्रेन पे एक परमाणु दुर्घटना हुई थी क्या नाम था उसका चलो बच्चों जल्दी से बता दो इसको हमने एनवायरमेंट में पढ़ा है सी से नाम है उसका उसका नाम सी से है जरा कमेंट करके बता देंगे सभी यूक्रेन पे एक परमाणु दुर्घटना हुई थी न्यूक्लियर आपका एक्सीडेंट हुआ था जल्दी से बता देंगे बच्चा क्या नाम है उसका वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक चलो जल्दी से बता दो और मैक्सिमम करो ना बच्चा फिफ्टी पार करो ना फिफ्टी पार करोगे तभी तो मजा आएगा क्या? क्या क्या बात है बहुत सुंदर बहुत सुंदर चैरनो वेरी गुड वेरी गुड जमुना मैडम बहुत सुंदर चलिए चलिए बता दीजिए यस चैरनो याद रखना यूक्रेन से याद रखेंगे चैरनो जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था कहां पर हुआ था ये यूक्रेन पे हुआ था बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ ओ माई गॉड ये कौन आ गया भाई ये कौन आ गया ये कौन आ गया विच ऑफ दिस प्लेनेट फार्देस्ट फॉर्म ऑफ द अर्थ मतलब सबसे दूर कौन सा जो ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है मरकरी जुपिटर सैटन या फिर यूरेनस कौन आया जादू कहां से आया जरा देखो तो मरकरी यानी कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति सैटन यानी कि शनि और यानी कि यूरेनसूरेनस तो कौन सा हो जाएगा भाई कौन सा हो जाएगा ये जादू आ गया क्या ये देखो तो जादू आ गया चलिए भाई आईला जादू आ गया है ना चलिए बताइए बच्चे लोग आप लोगों को याद रखना है स्टार्टिंग में होता है मरकरी फिर होता है विनस फिर होता है अर्थ फिर होता है आपका मार्स यानी कि एम वी ई एम ऐसे याद रखेंगे उसके बाद उसके बाद जुपिटर सैटन यूरेनस और नेपच्यून तो आपको ऐसे याद रखना है एम एम वी ई उसके बाद जसन तो जसन सर, जसन जसन तो सर ठोकेंगे मनाएंगे 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 क्या मनाएंगे? जसन मनाएंगे है ना तो जे फॉर जुपिटर एस फॉर सेटन यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून यदि यहां पर नेपच्यून देता तो नेपच्यून हो जाता लेकिन चूंकि यूरेनस दिया बच्चा इसलिए यूरेनस हो जाएगा और याद रखना जादू का कलर कैसे दिख रहा है बच्चों जादू का कलर ब्लू दिख रहा है इसलिए ये ब्लू अपियर होता है लेकिन नीला ग्रह नहीं बोलते इसको समझना ब्लू जो आपका प्लेनेट होता है नीला ग्रह किसको बोलते हैं हम लोग पृथ्वी को बोलते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं बट अपियर जो रहता है एकदम ब्लू जो नजर आता है वो ये दोनों ग्रह नजर आएंगे यूरेनस और नेपच्यून क्यों क्योंकि यहां पर रहता रहता है है बहुत बहुत अधिक अधिक मात्रा मात्रा में में गैस इसलिए हम इसको ब्लू कलर में अपियर होता है ठीक है ना चलिए भाई सब आप सब आपका ही सब फेवरेट हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हमारा फेवरेट है फेवरेट यस कौरबे ना कैसे करोगे चलिए भाई तो इसका डी हो जाएगा सही जवाब अब ये देखिए ये प्रश्न तो हमने डायरेक्ट सेशन में कराया था भाई कि भारतीय रेलवे द्वारा संचालित सबसे लंबी मालगाड़ी जो कि भिलाई से कोरबा के बीच चला था बच्चों याद आ रहा है याद आ रहा है याद आ रहा है है ना चलिए तो बताइए क्या हो जाएगा बताइए आंसर ये तो हमने किया था ये तो हमने किया था चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा चलो भाई चलिए चलिए बताइए क्या बात है बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस चलिए चलिए क्या बात है बहुत बढ़िया इसको तो हमने किया था भाई है ना इसको तो हमने किया था वेरी गुड चलो तो इसमें हम देख सकते हैं सुखी और ये सब के सब नाग के नाम है ये सब किसके नाम है बच्चा ये सब के सब है नागों के नाम है और देखो सर ने आपको कराया था ना सर ने आपको कराया था ना क्या हो गया भाई ये क्या हो गया इसको क्यों नहीं चलूँगा बोल रहा है ये अविनाश जी बताइए इसको क्या हो रहा है ये क्यों प्ले नहीं होगा बोल रहा है ये इसको प्रॉब्लम क्या है भाई इस सज्जन को तकलीफ़ क्या है अरे अरे इस सज्जन को तकलीफ़ क्या है, है? चलिए अरे क्या हो गया भाई हाँ पेन से किया ना हमने पेन से ही किया ये ये ऑप्शन तो नहीं दे, दे रहे. तो क्या थी चलिए ठीक है छोड़िए ये तो दिख रहा है यार छोड़ो इसको क्या ही करेंगे ये दिख रहा है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग है ना आगे बढ़ते हैं अब बताना है भाई ये कि हाल ही में उत्तराखंड में एक ग्लेशियर ब्रेक हो गया था एक जो ग्लेशियर है वो टूट गया था है ना तो वो जो टूटा जो ग्लेशियर था बच्चा वो कहां से था यानी कि आपका ये काजामोली नहीं है ये आपका चमोली है ठीक है ना बच्चा इसको काजामोली ना लिख के आप इसको हम लोग पढ़ेंगे चमोली में एक हिमालय में हिमस्खलन हुआ गया था और उसके कारण एक बहुत ज्यादा फ्लो हुआ था याद करो बहुत ज्यादा चर्चा में था है ना बहुत ज्यादा चर्चा में था हाँ कभी कभी वो भी गुस्सा हो जाते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है चलिए बताइए कौन सी नदी थी है ना कहाँ से हुआ था पिंडारी नंदा देवी गंगोत्री या फिर बागिनी आपके हिंट के लिए मैं बता दूं बच्चों आपके हिंट के लिए मैं बता दूं आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि यह जो ग्लेशियर है यह जो ग्लेशियर है है ना या फिर यह जो प्लेस है वो बहुत बेहतरीन एक माउंटेन पिक है और इसके नाम से नेशनल पार्क भी है इसके नाम से नेशनल पार्क भी है अब आप लोग बता सकते हैं क्या क्या अब आप लोग बता सकते हैं याद आ रहा है याद आ रहा है बच्चा याद आ रहा है बताओ क्या हो जाएगा नेशनल पार्क भी हमने बोल दिया ना नेशनल पार्क मैंने हिंट दे दिया ना अब बता दो मुझे अरे अनाईमुढ़ी कहाँ पे जा रहे हो सुजीत कुमार अनाईमुढ़ी कहाँ नजर आ रहे है बच्चों? जो दिख रहा है वो बताओ ना जो आपको नजर आ रहा है उस पर नजर डालिए भाई हमने आपको ऑप्शन दे दिए ये चार कन्याएं हैं जिनसे आपको विवाह करना है चारों से नहीं किसी एक से विवाह करना है और आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो कैटरीना कैब से करना है तो ऐसे कैसे चलेगा ए ना चौलबे ए ना चौलबे आपको यहां से बताना है पिंडारी नंदा देवी गंगोत्री या फिर बागिनी मैंने आपको दे दिया ना <laughs> मैंने आपको हिंट दे दिया ना बच्चा चलिए तो हो जाएगा इसका जवाब नंदा देवी याद रखना सर नंदा देवी क्यों हो होगा। सर हमको प्रूफ दिखाइए क्योंकि तरुण सर जब तक प्रूफ नहीं दिखाते हम तक नहीं मानते है ना तो चलिए प्रूफ तो आप सभी को द हिंदू आप देख सकते हो यहां पर हिंदू में प्रकाशित खबर भाई तुम बड़े क्यों नहीं होते यार तुमको क्या प्रॉब्लम सज्जन को क्या तकलीफ है भाई सज्जन को चलिए ठीक है मत होइए बड़े मत होइए है मत होइए ठीक है चलो बच्चों आप लोग देख लेने बोल रहे मैं बड़ा नहीं होगा करके तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये रहा नंदा देवी क्या नजर आ रही है जरा बताना तो अपने आंखों को थोड़ा सा टू एक्स थ्री एक्स कर लेना जूम कर लेना ये नंदा देवी दिख रहा है और आपको दिख रहा होगा यही पे ये चमोली क्या दिख रहा है क्या बच्चा लोग आप लोग फेब टू नंदा देवी एंड चमोली क्या नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है वेरी गुड मॉर्निंग हब चलिए भाई नजर नहीं आ रहा है ओ माई गॉड चलिए कोई दिक्कत नहीं है ये पता नहीं क्या हो रहा है भाई ये इट्स ओके okay, कोई दिक्कत नहीं अच्छा ब्राइटनेस कम कर रहे हैं क्या ब्राइटनेस हाँ ठीक है थोड़ी देर के लिए कम कर दीजिए यस yes. अब मेरे ख्याल से अब नजर आ रहा होगा जरा देखिए जरा नजर डालिए जरा नजर डालिए हाँ ब्राइटनेस कम किया ना बच्चा अब मेरे ख्याल से नजर आ रहा अब तो मेरे को तो नजर आ रहा है अब तो मेरे को नजर आ रहा है भाई है ना चलिए वेरी गुड बहुत सुंदर चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अरे फिफ्टी पार पहुंचाओ ना यार ऐसे थोड़ी चलेगा है ए ना चौल बच्चा 50 फिफ्टी पार पहुंचाइए चलिए इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा पीडीएफ आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पीडीएफ आपको मिलेगा है ना ठीक है चलो चलो <laughs> चलो ठीक है

जी एस विथ तरुण सर इसमें आप जुड़िए है ना जी एस विथ तरुण सर अद्वैत एजुकेशन इसमें जुड़िए यहाँ पर मिलेगा आपको आप हमारा नंबर लिखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिखिए इसमें, इसमें आप हमको डायरेक्ट टेक्स्ट करिए सर हमको लिंक प्रोवाइड कराइए हम आपको करा देंगे बच्चा बिल्कुल करा देंगे चलिए तो आगे बढ़ें क्या हाँ जी इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यस अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि इसका जो नाम है किसने किया है अरे मंथन ने तो आंसर ही दे दिया पहले ही वेरी गुड इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा ओमान ने किया है है ना इसका जो आ, क्या बोलते हैं नामकरण जो किया है वो ओमान ने किया है वेरी गुड डे जी बहुत सुंदर चलिए आगे बढ़े क्या यस बढ़ते हैं आगे लेट सी क्या बोलता है अगला प्रश्न तो ये रहा बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है शहतूत बांध के निर्माण के लिए शहतूत के लिए इंडिया और किस देश के बीच इंडिया और किस देश के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं है। आपके, आपके हिंट के लिए मैं जलेबी लेकर आया हूं और आप मुझे जलेबी खिलाएंगे बच्चों आप मुझे जलेबी खिलाएंगे क्या हो जाएगा सही जवाब भाई इधर दे दो पानी थैंक यू सो मच चलिए अरे मैंने जलेबी हिंट दिया यार इतना बेहतरीन हिंट कौन देता है कौन देगा इतना बेहतरीन हिंट जलेबी मिल गया ना भाई जलेबी याद करो ना उस गाने को अफगान अफगान जलेबी याद आ रहा है अफगान जलेबी याद आ रहा है अरे पाकिस्तान का नेशनल स्वीट अरे यार ये तो गेम कर दिए बच्चे ने <laughs> मतलब पुराना पानी लेके आ गया अरे यार क्या है भाई मतलब एग्जैक्टली exactly. अफगान जलेबी मशूक फरीबी अरे भाई इतना बेहतरीन हिंट दिया जा रहा है यहां पर ये जलेबी अफगान से रिलेटेड रहने वाला है ना अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ किया था लेकिन किसको पता था अरे वाह दो बच्चे और हैं दो बच्चे और 50 करो किसको पता था भाई? किसको पता पता था था भाई कि ऐसा कुछ होने वाला है तालिबानियों का कब्जा होने वाला है ठीक है ना चलिए हिंट जोरदार है ना अरे वही तो यार हिंट पकड़ो बच्चा हिंट पकड़ो और लाइक तो करते बनो यार जितने लाइक उतने लाइक होने ही चाहिए ये देख सकते हो ये हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर इंडिया अफगानिस्तान इंक डील फॉर न्यू डैम है ना न्यू डैम क्या नाम था इसका याद रखेंगे शहतूत या फिर हमने क्या बोला इसको हमने क्या बोला इसको हमने बोला था ललेंडर गॉट इट बढ़ते हैं भाई आगे ये रहा अगला प्रश्न इनमें से कौन सा जो है मॉन्यूमेंट है वो सबसे साउथ में है याद बताना भाई सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है कौन सा मॉन्यूमेंट इंडिया गेट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल है या फिर गेटवे ऑफ इंडिया है या फिर गोल्डन टेम्पल है चलो भाई बता दो बता दो चलो हमारी दीपाली मैम भी आ चुकी हैं भाई यहां पर और इसके बाद उन्हीं का सेशन यानी उन्हीं का प्रश्न होने वाला है तो ज्यादा से ज्यादा मैम के आने के पहले भाई फिफ्टी प्लस कर दो यार मैम के आने के पहले फिफ्टी प्लस होना चाहिए है ना बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं अभी आगे हम लोग चलो तो इसका आंसर बताओ इंडिया गेट विवेकानंद रॉक मेमोरियल गेटवे ऑफ इंडिया या फिर गोल्डन टेम्पल अरे क्या बात है पचास होने वाले अरे एक बच्चा और आ जाओ भाई क्या हो जाएगा चलो बच्चों बता दो क्या हो जाएगा और जितने भी बच्चे यहाँ पर रहे क्या बात है वेरी नाइस बढ़िया बेहतरीन फिफ्टी हो गया ना फाइनली बहुत सुंदर चलो एक बार दिल बना दो यार एक बार दिल बना दो मजा आ जाएगा दोस्तों एक बार दिल बना दो मजा आ जाएगा सब के सब दिल बना देंगे बेहतरीन तरीके से हाँ एक बार दिल बना देंगे ना एक बार सब के सब बेहतरीन तरीके से दिल बना देंगे उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे एक बार बेहतरीन एक बार एकदम छा देना है पूरा मस्त है एकदम बेहतरीन टाइप से है ना चलिए भाई चलिए बेहतरीन टाइप से क्या बात है बहुत सुंदर वेरी नाइस चलिए बहुत सुंदर वेरी नाइस ठीक है बहुत सुंदर ठीक है भाई तो हम देखते हैं इसका जो आंसर होने वाला है इसका जो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कहां पर है बच्चा विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको मिलने वाला है ये आप देख सकते हो ये आपको मिलेगा कन्याकुमारी पर साउथ में यानी कि दक्षिण में आपको मिलने वाला है ये कन्याकुमारी पर मिलेगा दूसरी यदि इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है इंडिया गेट एंड गेट ऑफ इंडिया में तो याद रखना इंडिया गेट इंडिया गेट इंडिया पहले आ रहा है ना बच्चा तो इंडिया पहले आ रहा है सॉरी इंडिया पहले आ रहा है तो इंडिया पहले आएगा इट मीनस ये कहां पे मिलेगा ये आपको मिलेगा न्यू दिल्ली पे यानी कि दिल्ली में मिलने वाला है एंड गेट वे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार होता है इसका मतलब गेट वे वे बोल आपको मिल जाएगा मुंबई में कहा मिलेगा बच्चा ये मुंबई में और गोल्डन टेम्पल तो पता ही होगा आपको अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो है वो कहां पे मिलेगा अमृत स्वर सॉरी अमृतसर में ठीक है ना चलिए बहुत सुंदर भाई बहुत बेहतरीन बहुत सुंदर थैंक यू सो मच गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे बच्चा लोग ये रहा अगला प्रश्न ये रहा द प्लेस मेंशन इन विच ऑफ दिस मूवी टाइटल लाइज फॉर दिस वेस्ट ये देखो केबीसी में ना इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछता है और एकदम मजेदार प्रश्न है समझना आपको लग रहा है सर ये क्या प्रश्न है यहां पर बेसिकली मूवीज के नाम दिए हैं उनमें क्या फाइंड करना है कि जो सबसे पश्चिम है बच्चा तो याद करो जो चैप्टर नंबर है सर का. सर का जब भी भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो दो पेज दो स्लाइड के चैप्टर के लिए पूरा दो घंटा यूज करते हैं तो आपको वही चीज बताना है आपको यही चीज बताना है कि इनमें से क्या गोवा सबसे पश्चिम में है क्या बागदाद सबसे पश्चिम में है क्या पेरिस सबसे पश्चिम में है या फिर टोक्यो सबसे पश्चिम में वेस्ट में है चलो बता दो बच्चा क्या हो जाएगा ये समझ नहीं आया ठीक है बच्चा मैं बता रहा हूं प्रश्न ये पूछ रहा है ये मूवीज के नाम है क्या है ये मूवीज के नाम है और आपको ये बताना है कि भाई इसमें से ये जो प्लेसेस का जिक्र हुआ है जिन स्थानों का जिक्र हुआ है उनको यदि हम रखें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बेसिकली पूर्व और पश्चिम यानी कि ईस्ट और वेस्ट में तो सबसे वेस्ट में क्या पड़ेगा क्या गोवा सबसे वेस्ट में क्या बागदाद है क्या पेरिस है क्या टोक्यो है कौन सबसे वेस्ट में पड़ने वाला है सबसे पश्चिम में क्या पड़ने वाला है चलो आपको बताना है बच्चा लोग अब बता दो मेरे को अब देखते हैं है ना चलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चा पेरिस कैसे होगा सर पेरिस तो आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं भाई हम एक्सप्लेनेशन पे ये रहा एक्सप्लेनेशन अगेन ये, ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन चलो भाई मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे पेरिस आने वाला है अरे यार ये जूम क्यों नहीं हो रहा है भाई मतलब बड़ा ही तकलीफ है यहाँ पे बड़ा ही तकलीफ है बड़ा ही तकलीफ है ये जूम नहीं हो रहा है बच्चा ये क्या दिक्कत हो क्या गया यार इसको ये नाराज हो गया लग रहा है भाई हमसे ये है नाराज हो गया जूम नहीं होंगे बोलता है चलो ठीक है मत हो भाई जूम मत हो ठीक है मैं यहीं से बताता हूँ ना मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो नजर डालो नज़र डालो गोवा बोल दिया तो गोवा यहाँ पे मिलेगा टोक्यो तो टोकिया जापान इधर मिल जाएगा ये ऐसा बना लो ये लॉन्गिट्यूड हो गया उसके बाद बागदाद इधर आपको मिल जाएगा इधर इराक और फिर यहाँ पर फ्रांस पे आपको मिल जाएगा इधर आपका क्या था यार क्या था पेरिस ठीक है ना तो ये देखो सबसे वेस्ट में क्या नजर आया सबसे पश्चिम में क्या नजर आया बच्चा सबसे पश्चिम में क्या नजर आया आपका पेरिस तो यही चीज उसने पूछा था यही चीज इन्होंने पूछा था ठीक है आगे बढ़ते एंड फील्ड कैटेगरी इनमें से कौन सा खेल ट्रैक एंड फील्ड श्रेणी में नहीं आता है डिस्कस थ्रो यानी कि जो ऐसे फेंकते हैं ये या फिर लॉन्ग जंप जो कि ऐसे जंप मारते हैं ये या फिर रेसलिंग रेसलिंग क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा या फिर हंड्रेड मीटर रेस चलो यहां पर तो क्लियरली दिखा गया है आपको यहां पे हिंट दे दिया है भाई यहां पे हिंट ही दे दिया है आपको बताना है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बहुत सुंदर वेरी गुड ये बात हुई ना ये तगड़ा जवाब हुआ ना भाई क्या बात है बहुत सुंदर यस yes. क्या हो जाएगा रेसलिंग यानी कि कुश्ती क्यों नहीं आएगा और जितने भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है चलिए देखते हैं क्या होगा रेसलिंग क्यों होगा भैया रेसलिंग देखो ना डिस्कस थ्रो के लिए ऐसे 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 आके ऐसे दौड़ के फेंकते हैं अपन है ना लॉन्ग जंप में भी दौड़ के आ ही रहे इसमें तो दौड़ ही रहे हैं मतलब जहां पर एकदम ट्रैक वैक जरूरत पड़ता है एकदम से ऐसा रहना चाहिए भाई एकदम फील्ड बहुत बड़ा ऐसा उसको बोलते हैं और रेसलिंग में क्या है बढ़िया रिंग रहेगा बोलते हैं कई बार ये भी पूछा जाता है रिंग में क्या क्या होता है boxing हो गया हिंदी में इसको हम बोलते हैं बेटा कुश्ती क्या बोलते हैं इसको कुश्ती याद रखना है ना कुश्ती बोलते हैं क्लियर उसके बाद एक और होता है आपका तो बॉक्सिंग बॉक्सिंग अलग है वो मुक्केबाजी होता है क्लियर है ना चलो आगे बढ़े हम लोग क्या बात है राजस्थ ने खूब सारे एप्पल्स बना दिए थैंक यू सो मच आज तो खूब सारे एप्पल खा के आयो भाई बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे ये बताना है कमला हैरिस जो बनी है कमला हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि उसके पहले उसके पहले कौन था यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट आपको बताना है और ये हिंट के लिए ये आप अंकल को हम लेके आ चुके हैं ये गोरे गोरे से अंकल को है ना चलिए भाई बताइए बताइए चलो गजब साहू जी अरे वाह क्या बात है चलो भाई बता दो बता दो इसका क्या नाम है इस गोरे गोरे अंकल का क्या नाम है ओ माय गॉड माइक पेंस बहुत सुंदर बहुत सुंदर माइक पेंस है ना क्या नाम है इनका माइक पेंस चलो ठीक है भाई तो अंकल को जय हिंद बोलते थे को जय हिंद बोल दो अंकल को, को इसको जय हिंद बोल दो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है ना अंकल को बोल दो जय हिंद हम लोग आगे बढ़ते नहीं है यार ये नहीं है अल गोरे लिख दिया तो ऐसा नहीं है गोरा जरूर है बट है ये पिंस माइक पिंस नाउ आपको बताना कि महिलाओं की 400 मीटर ट्रैक रेस में या फिर ट्रैक स्पर्धा में ट्रैक इवेंट में 50.79 सेकंड के साथ कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है टिंटू लुक्का सरस्वती साहा, आपको तो भैया तस्वीर में भी आपको तस्वीर में हिंट दे दिया गया है तो ऐसे में जानबूझकर इसलिए देता हूं ताकि आपको याद रहे आप लोग बता जरा कमेंट करके बताना इस प्रकार के हिंट मुझे देने चाहिए क्वेश्चन के साथ यस और नो यस तो यस लिख दो नो तो नो लिख दो इस प्रकार के हिंट क्या आपको रहने चाहिए यस और नो एक बार बता देंगे तो हम उस हिसाब से आगे का प्लान करेंगे ठीक है ना चलिए एक बोल रहे नो एक बोल रहा है, है नो अच्छा ठीक है अरे 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 अरे, अरे यस नो यस नो यस नो ओह चलिए चलिए ठीक है. है भाई देखते हैं देखते हैं आगे बढ़ते हैं ना चलिए कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है भाई सब अच्छे बच्चे हैं आगे बढ़ते हैं ये इसका आंसर नेक्स्ट चलिए तो हमने नहीं दिया हिंट बताइए ये प्रश्न तो यार मतलब क्या ही बोलोगे ये तो एकदम मतलब एकदम ही क्या बोलते हैं उसको इंट्यूशन लेवल जो रहता है ना मैंने ये प्रश्न जो भेजा था हमारे बच्चों को दो तीन महीने पहले समथिंग प्रश्न ये था कि महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में यानी कि वहां का जो आपका प्रमेस है उसमें एक मंदिर है भारत माता मंदिर भारत माता टेम्पल जो कि किस रूप में स्थित है तो मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया भारत माता राइडिंग ऑन फ्लैग ऑफ इंडिया या फिर फ्लेम किससे है तो ये हमने किया था ऑलरेडी इस पर डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे और बहुत सा शेयर भी कर दिए अपन बेहतरीन तरीके से तो जैसा कि आपको पता है ये चीजें है ना ये चीजें हम करवाए थे और 20 ऑफ जुलाई को मैंने बच्चों को भेजा था मैंने ट्वेंटी जुलाई को बच्चों को भेजा था और एक बच्चे ने फिर मेरे को तुरंत मैसेज किया जैसे ही एक प्रश्न के बीसी में आया एक स्टूडेंट ने मेरे को तुरंत मैसेज देखो सर आपने जो भेजा था वो क्वेश्चन आज छह लाख चालीस हजार का आया है तो समझो भाई छह लाख चालीस हजार बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो ये हो जाएगा आपका अनडिवाइडेड इंडिया ठीक है ना अनडिवाइडेड इंडिया चलो भाई बता दो विच इज द व्हाइटेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है हिंट आपको दे दिया गया है बगल में सबसे वाइडेस्ट रिवर है नाइल है यांगजे है एमेजन है या फिर दानुब है चलो बता दो सबसे वाइड भाई सबसे चौड़ी इसकी जो चौड़ाई होती है ना लंबाई तो छोड़ी दो भाई लंबाई तो 6000 के आसपास समथिंग है इसकी जो चौड़ाई होती है भाई 9 से 10 किलोमीटर तक भी चौड़ी हो जाती है जब इसमें फुल पानी आता है तो सोचो चौड़ाई नौ से दस किलोमीटर क्या ही होता है समझ रहे हैं ना चौड़ाई नौ से दस किलोमीटर ओके चलो भाई तो ये देखो आपको हिंट समझना है हिंट दिया सर ने सर ने हिंट दिया है ना तो इस प्रकार का हिंट तो चलेगा ना ये है पैसिफिक ओशियन ये है आपका अटलांटिक तो आपको समझना है पैसिफिक और अटलांटिक के बीच क्या पड़ सकता है और साथ ही साथ आपको क्या नजर आ रहा है बच्चा यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको पेरू नजर आ रहा है यहां पर आपको ब्राजील नजर आ रहा है साउथ अमेरिका की बात हो रही है तो ये कौन सा रिवर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एमेजॉन क्या हो जाएगा एमेजॉन याद रखना ठीक है ना एमेजन इज द करेक्ट आंसर क्लियर आगे बढ़ते हैं भाई आगे बढ़ते हैं ठीक है ठीके? चलो ये ये रहा ओहो, ये तो एकदम ही बच्चा ये सहदेव प्रश्न है कि नहीं बताओ तो यार कि एग्रीकल्चर लैंड ऑन द स्लोप ऑफ दिल एरिया, हिली एरिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्लोप रहता है उस पर खेती करते हैं उसको हम क्या भूमि बोलते हैं बस यही बताना है भाई आपको ना थोड़ा सा ठंडा करेंगे क्या थोड़ा चलो बता दो क्या हो जाएगा हम्म सहदेव प्रश्न है भाई सहदेव है ना यस ये होता है सीढ़ीदार खेती या फिर स्टेप फार्मिंग या फिर कंटूर फार्मिंग बहुत सारे नाम है स्टेप फार्मिंग कंटूर फार्मिंग या फिर सीढ़ीदार फार्मिंग है ना चलिए तो ये आप देख सकते हो इस प्रकार से आपको नजर आता है ये ऐसा ये सीढ़ीदार खेती रहती है टेरेस फार्मिंग कंटूर फार्मिंग स्टेप फार्मिंग सब इसी का उदाहरण है सीढ़ीदार खेती क्लियर अब बढ़ते हैं है ना कि आपको बताना है दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ विच पॉइनरिंग इंडस्ट्रिस्ट एंड क्या है भाई फिलॉन्थ्रोफिस्ट uh, यानी कि किस यह किस अग्रणी उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति का चित्र है तो कंप्यूटर महाशय तस्वीर दिखाई जाए ये रहा वो तस्वीर ये प्रश्न आया हुआ था केबीसी में तो आपको बताना है कि यह जो तस्वीर है यह किसकी है आपको हिंट के लिए दे दूं भाई आपको हिंट मेरी जो कार है मेरे पास जो गाड़ी है वो इसी कंपनी की है चलिए अब आप लोग बता सकते हैं क्या आपको हिंट मैंने दे दिया जिन बच्चों को पता है वो तो बता ही देंगे मेरे को ठीक है चलिए क्या बात है बिना हिंट के भी आंसर कर दिए वेरी नाइस बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया अब गोदरेज का तो कार हो नहीं सकता गोदरेज का तो कार हो नहीं सकता है ना <laughs> तो क्या हो जाएगा टाटा क्लियर -टा, क्या हो जाएगा टाटा -टा, याद रखना है, टा -टा okay yes. है हाल ही में एक टाटा -टा की कौन सी माइक्रो एसयूवी लॉन्च हुई है माइक्रो एसयूवी अभी दो तीन दिन हो रहा होगा चलो बच्चा नाम बता दो तो, सी कितने बच्चे बता पाते हैं उसका नाम चलो मैं हिंट दे दूं क्या आपके ऑप्शन ये रहे पंच एच बी एक्स हॉर्न बिल हॉर्न बिल या फिर सफारी हाल ही में हाल ही में टाटा की कौन सी माइक्रो एसयूवी लॉन्च हुई है चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर वेरी गुड देख रहा सब के सब एकदम पंच मार रहे <laughs> हैं बड़े बदमाश से बच्चे हैवी ड्राइवर हो आप लोग तो हैं चलिए पंच है बेटा याद रखना क्या नाम है इसका पंच ओके आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ये रहा भाई इन ओलंपिक हिस्ट्री ओलंपिक हिस्ट्री में ओलंपिक इतिहास में हॉकी में है ना आपका हैट्रिक बनाने वाली कौन सी भारतीय महिला बनी है पहली भारतीय महिला रानी रामपाल गुरजीत कौर नवनीत कौर या वंदना कटारिया ये महिला का जो तस्वीर है आपको नजर आ रहा है है ना इनका तस्वीर आपको दृश्यमान है यहां पर दिखाया जा रहा है तो आपको बताना है कौन बनी है ओके okay, चलो भाई कौन बनी है ये बहुत ही बहुत ही प्रश्न आसान सा प्रश्न है ये तो सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल वंदना कटारिया देखो तस्वीर देख के याद रखना बच्चा ऐसा नहीं कि केवल हीरो हीरोइन के तस्वीर याद रखना है प्लेयर्स के भी तस्वीर को याद रखो ये डिजिटल बोर्ड का जमाना है तो जरूर आपको इसका फायदा उठाना है वाह क्या बात है राइमिंग बन गया वाह 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 ठीक है ना डिजिटल बोर्ड का जमाना है तो जरूर आपको इसका फायदा उठाना है तो वंदना कटारिया हो जाएगा इसका सही आंसर ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग फॉर्मर क्रिकेटर सुसान इतिचेरिया इज द मदर ऑफ ऑफ विच कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट मतलब कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक लाने वाली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाली किस खिलाड़ी की माता का नाम है सुसान इत्तीचेरिया चेरिया जो कि खुद एक पूर्व क्रिकेटर रह चुकी हैं और वो ये महिला हैं भाई वो ये महिला हैं तो इस महिला को जरा देखिए और से और आप बताइए इसका नाम क्या हो सकता है इसका नाम चलिए भाई बहुत सुंदर नो no आइडिया ये देखो हमने हिंट दे दिया भाई हिंट दे दिया हमने है ना हमने हिंट आपको दे दिया चलिए आप बताइए जरा क्या हो सकता है इसका नाम बताइए बहुत सुंदर वेरी नाइस ना 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 इट्स नॉट अंजू इट्स नॉट अंजू कहां से अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाएगी हिंट और दे दू दीपिक

दीपिका पल्लिकल ठीक है ना चलिए तो यहां पर जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा देख सकते हो ये वो महिला है है ना जिसका क्या नाम है ये वो महिला है जिसका नाम है सुशांत ये जो दिख रही है ना ये पूर्व क्रिकेटर है इसका नाम है सुशांत ठीक है ना इसका नाम है हाँ यस ठीक है चलो गलती हो जाए ना थुथी मोती होता है ठीक है ये है सुशांत एंड इसका नाम है दिनेश कार्तिक और ये उनकी वाइफ है दीपिका ठीक है भाई ये उनकी वाइफ है दीपिका गॉट इट चलिए आगे बढ़े हम लोग यस सर यह प्रश्न भी यार इसको भी क्या ही बोलेंगे सहदेव प्रश्न दो तो हजार इक्कीस राजपथ में परेड में ट्वेंटी सिक्स परेड जो हुआ था उसमें किस दल ने भाग लिया था किस देश की आर्मी ने भाग लिया था भूटान श्रीलंका बांग्लादेश या फिर मालदीव इस पर क्या ही करेंगे अपन है ना इस पर अपन क्या करेंगे ठीक है चलिए पीछे कौन है कपिल पीछे कोई नहीं है पीछे आप देख लेना आप इससे शादी कर लेना ठीक है कपिल पूछ रहे हैं पीछे कौन है ठीक है तो ये कपिल आप इससे कर लेना बेटा ओके चलेगा बात चला दू बात चला दू <laughs> ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश क्या हो जाएगा बांग्लादेश ठीक है ना बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर इसमें इज को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है अंपायर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर कोच या फिर प्लेयर्स किनको हम द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं है चलो <laughs> आगे बढ़ते हैं भाई आगे बढ़ते हैं क्या हो जाएगा यस yes, कोच ना ऑफ कोर्स यार द्रोण जी थे द्रोणाचार्य कौन थे गुरु थे तो ऑब्वियसली किनको दिया जाता है गुरुओं को लेकिन टीचर्स को नहीं देते ऐसा कंफ्यूज मत हो ना कभी कभी आपको टीचर दे देगा कभी कभी आपको कभी कभी आपको टीचर दे, दे देगा है ना तो टीचर्स को नहीं देते बच्चा किसको देते हैं प्लेयर्स के जो कोच रहते हैं केवल उनको दिया जाता है हम लोग को नहीं मिलता भाई हम लोग को अवार्ड हम लोग को अवार्ड कौन देता है पता है हम लोग को अवार्ड देते हैं आप बच्चे देते हैं आप बच्चे कैसे देते हैं दिल बना के देते हैं तो एक बार जरा बताएंगे तो कैसे देते हैं आप लोग जरा एक बार बताएंगे मेरे को कैसे देते हैं बच्चे दिल बना के अवार्ड देते हैं हमको हमको आप लोगों का प्यार चाहिए रहता है सिर्फ आपका प्यार दैट्स इट और कोई अवार्ड नहीं है भाई हमारे लिए है ना ठीक है चलो ये देखो ऐप बनाया गजब का क्या बात है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे ये रहा अब ये प्रश्न जो है ना ये प्रश्न है एकदम ये सहदेव प्रश्न है ये भी समझना इसके लिए मैं हिंट देता हूं भाई वॉट डू यू कॉल एन इन्वेस्टर हु प्रोवाइड कैपिटल फॉर बिजनेस स्टार्टअप यूजल इन एक्सचेंज ऑफ ऑनरशिप इक्विटी यानी कि आप एक निवेशक पर स्वामित्व इक्विटी के बदले में समझना यदि आप कोई भी स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो वो आपको कैपिटल्स देगा पैसा देगा तो उसको क्या बोलते हैं ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं फेसबुक में बहुत ज्यादा फेमस है ये ये जो नाम है ना एफबी में जिन बच्चों लोग ऐप चलाते हैं उनको बहुत ज्यादा पता होगा एफबी में बहुत ज्यादा फेमस है एफबी में वो क्या नाम है जरा बताओ तो एफ में बहुत ज़्यादा फेमस है वो नाम याद आ रहा है मतलब कुछ नाम मिले ना मिले ये नाम जरूर मिलेगा ये नाम जरूर मिलेगा क्या नाम है याद आ रहा है ना याद आ रहा है याद आ रहा है याद आ रहा है क्या हो जाएगा बताओ एंजल प्रिया याद आ रहा है कितने बच्चों का अकाउंट है जरा बताना तो एंजल प्रिया के नाम से अकाउंट तो तो ठीक है चलिए तो ये एंजल इज द करेक्ट आंसर है ना एंजल बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर और इसी के नाम से एंजल ब्रोकर करके बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी ओके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ ये प्रश्न है भाई वानखेड़े स्टेडियम में अपने जो रिटायरमेंट जो स्पीच था जो भाषण था उसमें किसने कहा कि माई लाइफ बिटवीन ट्वेंटी टू ईर्स फॉर ट्वेंटी फोर ईयर्स इट्स हार्ड टू बिलीव दैट द वंडरफुल जर्नी इज कमिंग टू एंड किसने बोला कि भाई मेरा जो जीवन है बाईस गज की दूरी पर चौबीस वर्षों के बीच खत्म हो चुका यह विश्वास करना कठिन है यहां पर आपको एक तस्वीर आपको एक शेडो नजर आ रहा होगा हिंट के लिए मैंने आपको बता दिया एंजल प्रिया वाले कितने लोग हैं जरा बताना मेरे को भाई कितने हैं एंजल प्रिया वाले चलिए क्या बात है वेरी गुड सचिन तेंदुलकर है ना बहुत सुंदर वेरी नाइस सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर है ना कुछ प्रश्न और रह गए हैं उसके बाद दीपाली मैम भी आ चुकी हैं और उसके बाद वो कराएंगे साइंस के प्रश्न चलिए भाई बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर अब ये रहा फेब 2021 पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस इंडियन लैंग्वेज का एक वर्ड जो था 2020 के लिए है ना फॉर ईयर 2020 2020 के लिए किस वर्ड को चुना है ऑक्सफोर्ड ने बताना है लोकतंत्र आत्मनिर्भरता या फिर नारी शक्ति या जुगाड़ <laughs> बताओ भाई ये आपको लोगो भी दिया हुआ है यहाँ पर ये यहाँ पर उसका लोगो भी आपको दिया हुआ है ठीक है चलो बहुत सुंदर क्या हो जाएगा आत्मनिर्भर है ना मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनिए सेल्फ सॉरी सेल्फ इंडिपेंडेंट गॉट इट बढ़ते हैं भाई आगे ये बी हो जाएगा इसका सही जवाब नाउ साइक्लोन ताउते गेट नेम फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ एनिमल ये तो बता ही दोगे यार इसको तो कई बार हमने चर्चा किया है इसको कई बार हमने चर्चा किया शार्क पिजन या गोरिल्ला क्या हो जाएगा ताउते जो नाम था किसके नाम पर रखा गया था ये तो दिख ही रहा है है ना छिपकली कैसी छिपकली शोर मचाने वाली छिपकली लिजाड हो जाएगा इसका सही जवाब ठीक है बढ़ते हैं आगे ये अपन कराए थे ठीक है तो सेम क्वेश्चन आया हुआ था बढ़ते हैं भाई ये रहा ये लास्ट प्रश्न हो सकता है नहीं दो प्रश्न और इसके बाद विच ऑफ दिस गिवन टू द डबल टीम ऑफ द टेनिस प्लेयर पेस एंड महेश भूपति जो जोड़ी थी महेश भूपति और पेस की उनको किस नाम से जाना जाता था ली हैश माले पाथी या फिर भू चलो बता दो क्या हो जाएगा जवाब इसका हम्म बहुत बढ़िया बहुत सुंदर वेरी नाइस चलिए भाई बहुत बढ़िया ली हैश ली फॉर लियंडर और हैश फॉर महेश तो ये है आपके आ, क्या लिए और ये है आपके महेश भूपति चलो भाई एक बंदे ने लारा दत्ता से शादी की थी क्या बता सकते हो क्या कौन था वो एक बंदे ने लारा दत्ता से शादी की थी की थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शायद डायवोर्स हो गया ऐसा जहां तक मेरे याद आ रहा है बढ़ते हैं आगे ठीक है मैं कंफर्म नहीं हूँ की थी मतलब भाई करी किया होगा ना किसी जमाने में ठीक है ना चलो बढ़ते हैं आगे ये रहा भाई ये प्रश्न बताओ कि साउथ इंडिया में या फिर बोल सकते कौन सा जो माउंटेन है वो सबसे साउथ में है आपके लिए हिंट के लिए मैं बता दूं ये एक मिलन स्थल है भाई मिलन स्थल किसका किसका कपल्स का नहीं मिलन स्थल है ये वेस्टर्न घाट घाट और ईस्टर्न लेकिन सर आपने तो बताया था सर कपल लोग का है तो ठीक है ना भाई उठी तो है ना उठी तो यहीं पे पड़ता है तो कपल लोग तो जाते हैं उठी में तो इसलिए सर ने भी बताया था कपल लोग भी जाते हैं और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों के दोनों जाते हैं तो क्या हो जाएगा नीलगिरी वेरी गुड क्या हो जाएगा नीलगिरी नीलगिरी इज करेक्ट आंसर ओके okay? बढ़ते हैं आगे भाई अंतिम प्रश्न की ओर इसके बाद दीपाली मैम आने वाली हैं आपके लिए सेशन लेके है ना वॉट इज द सन मेनली मेड ऑफ सूर्य मुख्य रूप से किससे बना हुआ है ये मोल्टन आयरन यानी कि पिघला हुआ आयरन लोहे से लावा से रॉक यानी कि चट्टानों से या फिर गैसों से तो आपको पता होगा न्यूक्लियर फ्यूजन की घटनाएं होती हैं यहाँ पर नाभिकीय संलयन जिसमें से दो हल्के एटम्स किसके भैया हाइड्रोजन के इनके क्या उपनाम रहते हैं वो दीपाली मैम आपको बताएंगे डिटेल में ड्यूटोरियम फुटोरियम क्या क्या होता है मेरे को नहीं पता ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक बड़ा सा बना लेते हैं हिलियम का और खूब सारा क्या करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या गैस मतलब क्या है भाई हीलियम एंड हाइड्रोजन सब के सब क्या है गैसेस तो भाई हमारा सेशन यहाँ पर होता है एंड और ज्यादा से ज्यादा आप 50 पार चलना है क्योंकि मैम बिल्कुल आने वाली हैं ठीक है ना मैम आ चुके हैं वेरी गुड बहुत बढ़िया तो एक बार दिल बना के करेंगे स्वागत और मैडम आ चुकी हैं भाई चलिए तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अब हम करेंगे साइंस के प्रश्न को ठीक है ना यही रहना बैटरी यस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इंजीनियर्स कैसे हो आप सभी कैसा चल रहा है आज का सेशन एकदम जबरदस्त तो बिग बॉस के बाद पहली बार किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है बेटा वीकेंड का वॉर है ना तो मजा आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पारस बेटा सुजीत संतोष पवन सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कपिल सभी लोग शेयर वेयर ठोक दो सबसे पहले व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम शेयर सभी जगह पर यस डीजी साहू भावदीप सत्यम मिश्रा सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी आज हम नारी सुबह सुबह मुलाकात हुई है वरना शाम को होती है डेली है ना चलिए यस तो अब ये हर सैटरडे आने वाला है और आपको जैसे भी तरुण सर बताए बहुत सारे क्वेश्चन बेटा रिपीट हो जाते हैं तो हमारी कोशिश ऐसी चल रही है कि जीएस पोर्शन में ना आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ही ना हो क्या पता कल को आप केबीसी खेलने जाएं तो उसकी प्रैक्टिस तो चली रही है साथ ही साथ जो पेपर दोगे अभी तो आप ऑटोमेटिक फील करोगे ने तो आपको फील करा दिया है ना कि यार क्वेश्चन आपके पढ़े हुए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अक्षय भट्ट पवन कुमार पियश चलिए तो दीपाली मैम तरुण सर एंड कोमल मैम ने आपके लिए प्लान किया है वीकेंड का वॉर जो कि हर सैटरडे सुबह ग्यारह बजे यहां पर होने वाला है जिसमें पूरे वीक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट है ना तरुण सर अपना पार्ट डील करेंगे दीपाली मैम अपना पार्ट डील करेंगे कोमल मैम अपना तो स्टार्ट कर देंगे आज साइंस के क्वेश्चन तो चलिए जय महाकाल स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन सभी लोग बेटा शेयर ठोक देना है ना चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे आ जाओ देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यार मतलब थोड़ा थोड़ा ना मैथ्स भी मिक्स करके पूछता है है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि जो हमारे मैथमेटिशियन है रामानुजन और जो उनके ग्रेट एंड ग्रेट हैं कौन जी एच हार्डी देखिए गणितज्ञ जी एच हार्डी तथा जो एम रामानुजन थे उनसे जब मिलने गए थे तो उन्होंने किस टैक्सी से मिलने गए थे उस टैक्सी का नंबर क्या था भाई मैथमेटिशियन है वो तो नंबर पे ही खेल रहे हैं है ना किसी ने यदि शकुंतला देवी देखी होगी तो उनको फील हुआ होगा कि कैसे नंबर से खेला जाता है यस yes, बिल्कुल आंसर आ गया राजेश राहुल जय महाकाल बेटा राहुल कुमार जय महाकाल मंथन ने आंसर दे दिया यहाँ पर बहुत बढ़िया आशुतोष ने भी आंसर कर दिया डेजी ने भी कर दिया राहुल अनिल बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट हो यार है कभी कभी तो लगता है हमारी जरूरत है क्या बच्चों को है? कभी -कभी लगता है? कोई नहीं है। गुरु दिया, दिया।, पुनीत, पवन सबने कर दिया। यार कर ही दिए हो तो बिल्कुल सही जवाब दिया सभी ने जो उनके ग्रेट मैंटोर हैं जब हॉस्पिटल में थे हमारे रामानुजन जी तो मिलने के लिए गए वो और मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा ये हैं हमारे रामानु रामानुजन साहब ये हैं और ये है उनके ग्रेट है ना? जी एच हार्डी तो जब ये मिलने के लिए गए हार्डी साहब इनसे तो ना इन्होंने एक टैक्सी लेकर के गए थे जो नंबर लिखा था क्या सत्रह तो रामानुजन जी ने कहा ये नंबर तो भाई हार्डी रामानुजन नंबर कहलाएगा क्यों कहलाएगा क्योंकि ये कुछ खास है यदि हम 1 का क्यूब कर दें प्लस 12 का क्यूब 12 का क्यूब कितना होता है 1728 1728 प्लस 1 इज इक्वल टू 1729 साथ ही साथ 9 का क्यूब कर दो 729 प्लस 10 का क्यूब तो 1000 दो नंबर्स का क्यूब बेटा ये दो नंबर ये दो नंबर यानी दो बार क्यूब करने से ऐड होकर आने वाला नंबर क्या है 1729 बहुत बड़ी बात है ऐसा कुछ खोज निकालना और उन्होंने कहा और तब से ये फेमस हो गया हार्डी रामानुजन नंबर के साथ में क्लियर चलिए बहुत बढ़िया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1729 एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे बहुत स्मार्ट हैं अरे <laughs> पुनीत बेटा है तुम लोग तो मतलब दिल जीते बिना मतलब आगे ही नहीं बढ़ते हो है ना मैडम ना आपके बिना कहाँ निकलेगा पेपर ऐसा नहीं आशीर्वाद तो पूरा है बच्चों को है ना चलिए गॉस है ना चलिए गुड आफ्टरनून एवरी वन तो शेयर मेरा ठोका है कि नहीं है आज तो देखो रिक्वेस्ट थी बच्चों के से बच्चों से हम लोगों की कि आज तीनों सुपर स्टार फैकल्टीज आए हैं आपके लिए है ना तो भाई हा पार तो कराना है अगले वीकेंड का वॉर जो होगा ना

बहुत बढ़िया भावदीप ने भी दिया सत्यम बता दो बेटा जल्दी बता दो सभी लोग <laughs> यस uh, yes, दीपक बेटा जरूर निकलेगा और अच्छा ने आंसर कर दिया है नहीं बेटा हम बताते हैं देखो एक्चुअल में टेलीग्राफी है क्या तो पहले समझना टेलीग्राफिक प्रोसेस होती है टेलीग्राफिक प्रोसेस होती है जहाँ पर ना हम पहले क्या होता था चिट्ठी लिखी चिट्ठी भेजा यानी कि हम ना लेटर लिख रहे लेटर भेज रहे रे मतलब सोचो लव स्टोरी कितनी कठिन होती थी उस समय पर है कहीं, मम्मी के हाथ चिट्ठी लगी बेटा तो गए राम जी की है ना ऐसा हो जाता था मैं इंजीनियरों के लिए कुछ बनाता हूँ तो मतलब संदेशों का आदान प्रदान करना एकदम सीधी सामान्य भाषा में टेलीफोन तो सभी ने देखा है वहां पर क्या होता है वायर होता है ठीक है अब तो वायरलेस टेलीग्राफ भी आ चुकी है लेकिन टेलीग्राफ में पहली बार जब बात करी ना तो ग्राहम बेल ने कही कि

ऑप्शन इज नॉट क्लियरली विजिबल व्हाइट कलर है ना इसलिए नहीं दिख रहा अब दिख रहा होगा अब दिख रहा है यार अब दिख रहा है यार अब आप लोग मैम को ब्लैक मत करवा दो है कम करवा दीजिए करवा तो दिए बेटा अनिल बाबू करवा दिए आपने कहा और हमने करवा दिया ठीक है नाउ आई थिंक ऑप्शन इज एप्सोल्यूटली विजिबल क्लियरली यस नाव यस

अपनी मैडम के साथ फिर देखो दो लोगों का नाम कैसे आएगा वैसे एक बेमिसाल जोड़ी है यहां पर क्या बोरियम का नाम रखा गया है क्यूरियम ऐसा तो कर दिया सत्यम ने कर दिया कपिल ने कर दिया अक्षय राहुल मंथन बहुत बढ़िया और शशांक पवन सुजीत सब बहुत स्मार्ट यार। के बीसी देख के बैठे हो लग रहा है के कोई बात नहीं है ना पार्ट बाय पार्ट क्लियर हो रहे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन इस बार तो फोड़ देंगे एसएससी जे हो डीएसएससी आईएल हो गेट को हो कोई सा भी पेपर हो फोड़ देंगे मैम हम लोग है ना बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया तो अब चूंकि अब क्यूरियम तो सबको पता है है ना क्यूरियम तो सबको पता है कि क्यूरियम है मैम कपल के नाम पर है ना लेकिन अभी मैं पूछ ले बोरियम अभी मैं लो, अभी मैं पूछ पूछ तो क्या बता दोगे यस मैडम क्यूरी के नाम पर रखा गया था मैडम क्यूरी अच्छा अच्छा बेटा बहुत बढ़िया सही है तो अब थोड़ा ध्यान से सुनते जाना बोरियम किसके नाम पे रखा गया भाई एटॉमिक मॉडल भी दिया था नील्स बोहर साइंटिस्ट ने ये हैं हमारे नील्स बोहर जी वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन देख रहे हो कितने स्मार्ट दिख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में भी एकदम थे। इन्होंने क्या है? नील्स बोहर ने भी दिया है और इनके नाम पे ही एलिमेंट को बोरियम नाम दिया गया फिर आता है एक सीबॉर्गियम किसके नाम पे दिया गया तो एक हमारे केमिस्ट थे रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे ग्लेन टी सीबॉर्ग तो इनके नाम पर रखा गया है सीबॉर्गियम तो भैया इस बार क्यों नहीं पूछा

देख लो कपल सिर्फ लाल ही मजनू कपल नहीं होते बेटा ठीक है ये देखो ये भी एक आइडियल कपल है मैडम हमारी मैडम क्यूरी जी और पियरे जी इनके हस्बैंड भैया इन दोनों ने मिलकर के खोज की करी थी रेडियो एक्टिव तत्वों की और इनके रिस्पेक्ट में क्यूरियम नाम दिया गया क्लियर क्यूरियम नाम दिया गया यस मैम यस मैम यस मैम ठीक है तो एक बार हार्ट्स तो बनते हैं भाई एक बार हार्ट्स बना दो फटाफट सभी लोग कि मैम अब हमसे चाहे कोई सा भी पूछ ले बोरियम पूछ ले फर्मियम पूछ ले किसके नाम पे रखा गया हम चारों बता देंगे ठीक है अगली बार कुछ भी पूछ ले हम चारों बता देंगे और पूरे चांसेस है बेटा उठा के पूछ ले फर्मियम का ठीक है क्योंकि क्यूरियम तो यहाँ पर निपटा दिया है और डेजी साहू ने बनाना स्टार्ट कर दिया बहुत हार्ड

एक बार फिटकरी का फॉर्मूला पूछते तो ऐसे सोचते कि हाँ है ना एक बार पूछ लेते कि किस किस चीज से मिलकर बना तब भी हम सोचते लेकिन ओजोन पूछेगा तो सेकंड लगने ही क्या आंसर देने में नो मैम सेकंड्स भी नहीं लगने वाले हैं सेकेंड्स भी नहीं लगने वाले है बेटा अरे भाई हम ऑक्सीजन तो नॉर्मल सिंबल है और ऑक्सीजन हमेशा O2 लिखते हैं इधर पानी है देखो बच्चे ये होती है बात अक्षर बेटा बहुत हार्ड अक्षर को याद है कि मैम ने क्विज़ में भी ये क्वेश्चन कराया है बताओ मेंटी के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सही है तो सही बच्चों ने तो लाइन लगा दी है दुर्योधन भी हैं कोई यार क्या बात है दुर्योधन भी है बहुत बढ़िया शेख रामेश्वर आशा भी है बहुत अच्छे यार सभी ने आंसर कर दिया सभी ने आंसर कर दिया ठीक है पूरे सिविलियंस यही है क्या हम्म चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाए आगे बढ़ते अगला सवाल ये क्वेश्चन अच्छा था ये क्वेश्चन अच्छा था ये क्वेश्चन अच्छा था लोग कंफ्यूज हो सकते थे जायफल का पेड़ जायफल का स्रोत तो है और अन्य कौन से मसाले का है ठीक साथ, साथ. है साथ ही बे साथ साथ ही साथ द नटमक ट्री इज दोर्स ऑफ नटमक एंड विच अदर स्पाइस चार ऑप्शन है आपके साथ बेलीफ मेस रोज मैरी एंड <laughs> रोज मैरी एंड सिनेमन ठीक है अब ध्यान से सुनना यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं नहीं डी तो है नहीं डी है नहीं बाबू यस yes, आशुतोष ने ऐसा कर दिया यहाँ पर ठीक है चलिए तो तेज पत्ता तो सबको पता है यार सब्जियों में डलता है बिरयानी में डलता है हैं बढ़िया सब्जी अच्छी हो तो हम तेज पत्ता डालते हैं तो मैम इसका तो कोई कोई रिलेशन नहीं लगता हमें नटमक से है ना नटमक से हमारा इसका कोई रिलेशन नहीं लगता रिलेशन किसका लगता है क्या दालचीनी अरे मैम दालचीनी इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग एंड मैम ये तो हमको पता है रोजमेरी इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग बचा क्या बेटा मेस अब आपको मैं पेशेंस दिखाती दिखाती हूँ बेटा नटबैक को देख लो अपनी आंखों से यस yes, बिल्कुल सही विजय मित्तल सही पकड़े हैं बिल्कुल सही जवाब है ध्यान दीजिएगा यहां पर ये क्या है नटमेक ट्री है है कि नहीं है यस मैम नटमेक ट्री है नटमेक ट्री में जो है आप देखो इसके बाहर की तरफ ये वाला जो पोर्शन है देख रहे हो ये इसके अंदर से निकलता है दिस वन और इसके जैसे ये चीज निकला तो ऊपर का जो लेयर है ना बाबू ऊपर का ये रेड वाला अलग हो जाएगा इधर देखो और इस रेड वाले के अंदर जो है ना वो यहाँ पर है तो कुछ इस तरीके से दो चीजें मिलती हैं हमें ठीक है क्या क्या मिलता है बेटा दो चीजें मिल रही है नटमग एंड मेस अब ध्यान देना तो ये जो रेड वाला था ना ये रेड वाला जो ऊपर से ये ये रेड वाला बाहर निकला ना ये कहला जाता है आपका मेस और ये क्या है ये 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 क्या है मैम पोर्शन यानी कि जो रेड वाले के अंदर था कहलाया आपका नटमेग नट में जो. <laughs> <laughs> क्या बात है बच्चे तो एकदम फ्लो में यस yes, मैम हमने तो कल ही स्टार्ट किया है ना बॉटनी अपनी तो हाँ बच्चे बिल्कुल आगे हैं उसी फ्लो में बहुत सही ठीक है तो ये पोर्शन आपका मेस कहलाता है ये पोर्शन नटमेग कहलाता है और नटमेग ही एक ऐसा मतलब कहना चाहिए मसाले वाला पौधा है जिसके दो पोर्शन यूज़ किए जाते हैं नहीं तो सब में से एक ही चीज़ मिलती है सब में से एक ही चीज़ मिलती है जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें दो चीज़ें यूज़ होती है मेस भी यूजफुल है साथ ही साथ नटमेग भी यूज़फुल है तो नो डाउट हमारा आंसर क्या होने वाला बेटा ऑप्शन बी इज एप्सोल्यूटली करेक्ट आंसर में मेस होता है नटमेग तो पहले ही बता दिया अब क्या बचा सिर्फ और सिर्फ मेस तो ध्यान रहेगा मैम ये जो है आपका कहना चाहिए मेस है ये वाला पोर्शन और ये वाला नटमेग है ठीक है ऐसे याद रखो ना नटमेग नट क्या होता है कुछ फली टाइप होता है तो ये कुछ ऐसा फली टाइप दिख रहा ना ये वाला पोर्शन नट नटमेग होगा और ये वाला पोर्शन क्या होगा मेस होगा चलिए डन अगला सवाल था ओ अगला सवाल तो बताने की आवश्यकता नहीं आज मेंटी क्विज है बेटा बिल्कुल आज मेंटी क्विज होगा शाम को छह बजे होगा मेंटी क्विज होगा और बच्चों के लिए जल्दी इस टाइम भी देखते हैं सुबह रखेंगे ठीक है यस yes, जल्दी कुछ बोलते हैं गदा टाइप कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं उसको हिंदी में है न बिल्कुल आज शाम को छह बजे से होगा क्विज तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस की, की प्रैक्टिस हम वहां पर करेंगे तो सभी लोग जरूर प्रेजेंट रहना क्योंकि एक्चुअली यदि आप चाहते हो प्रैक्टिस करना जनरल साइंस की तो वहीं पर आप कर सकते हैं एक बढ़िया से प्रेशर के साथ चलिए तो यहाँ पर आंसर आ ही गया मुझे पता था मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा अरे बच्चे बहुत स्मार्ट है इंजीनियर अरे फ्लोटिंग आइस इन अ ग्लास बर्फ ग्लास की सतह पर क्यों तैरती रहती है यदि एक ग्लास पानी में हम बर्फ डालते हैं तो क्यों तैरता रहता है क्या रीजन है ठीक है तो बिल्कुल का सिद्धांत कहता है है कि जैसे ही हमने अच्छा कभी ऐसा हुआ कुएं से किसी ने पानी भरा अभी तो मुझे नहीं लगता पहले कभी बचपन में गांव वाँव में यदि कोई लोग होंगे गए होंगे अपनी दादी नानी के यहाँ तो पानी भरे होंगे तो जैसे ही हम कुएं से ऐसा पानी भरते हैं और बाल्टी यदि पानी के अंदर डूब गई तो वो एकदम हल्की फील होती है अरे इतनी हल्की जैसी पानी से बाहर आती है वो फिर से उतनी ही बारी फील होने लगती है है कि नहीं यस 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 मैम मेंटी क्वेश्चन का टाइमिंग मॉर्निंग कर लीजिए प्लीज कर लेंगे बाबू ठीक है पुनीत ठीक है देखते हैं जल्दी करने वाले जल्दी करने वाले ठीक है जब किसी देखो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी वस्तु को हमने द्रव पर डाला तो द्रव में जैसे ही डालेंगे ना बेटा तो उसके भार में कमी होती है वो आभासी कमी जो होती है क्या होता है भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यमान के बराबर होती है और यही बेसिकली हमारा क्या करती है हिंदी मीडियम के बच्चों तो इसको कर लिए होंगे इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं पता जिस बीमारी का या जिस किसी चिकित्सा का कोई इलाज ना हो सके तो मैम हम तो ऐसे ही कहते ना अरे तुझे कैंसर हो गया क्या मतलब फिर भी हम

इलाज ना कर सके तो उसको हम कहते हैं ला इलाज ये सब फालतू के शब्द दिए गए थे इजी सवाल था एकदम ही हलवा हिंदी मीडियम वाले तो इसको ऐसे ही निपटा देंगे बहुत बढ़िया सब ने आंसर भी कर दिया अक्षय पवन रामेश्वर डेजी पुनीत ठीक है चलिए बढ़िया बेटा बच्चे कम मत हो यो बच्चे कम हुए ना तो फिर फिर सही नहीं होगा अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा यह फल लिखा है यहाँ पर यहाँ पर एक्चुअल में उन्होंने केबीसी वालों ने यहाँ पर क्या दिखाया था यहाँ पर आंवला की इमेज दिखाई थी किसकी आंवला की, की इमेज दिखाई थी ठीक है तो आप भी समझ लो कि आंवला ही है आंवला किस बिटवीन का मेन रिसोर्स होने वाला है मेन रिसोर्स होने वाला है तो मैम आंवला जो है विटामिन सी का मेन रिसोर्स होने वाला है जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं सबके सब विटामिन सब सी के रिच रिसो कहलाते हैं एक तो मैडम ने कहा सौ पार होना चाहिए तो बच्चों को देखो जरा बच्चों को देखो जरा बच्चे सब पीछे खिसक ठीक है वीकेंड का व्यवहार क्या कुछ ऐसा होगा नहीं बच्चा जल्दी जल्दी शेयर मारो यार यस बहुत सही सबने आंसर कर दिया है

यस yes, से किस गणना का मान सबसे छोटा होगा जल्दी बता दो मुझे विदिन बता दो जल्दी बता दो मुझे कपिल राहुल सुजीत कोई बता दो यस बिटमिन सी लेमन बिल्कुल सही बिल्कुल <laughs> सारे रिसोर्सेज बताएंगे सुजीत बेटा सारे रिसोर्सेज बताएंगे सारे में से यस डोंट वरी आशुतोष ने ए ए, ए सबने आंसर कर दिया क्या अरे ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि बच्चे ना थोड़ा सा सोच में पड़ जाते मतलब जो वहाँ पर हॉट सीट में अरे ये कैसा सवाल है तेरा घटा तेरा क्या होता है तो तेरा घटा तेरा का मतलब है तेरा माइनस तेरा बाबू जीरो तेरा समा तेरा मतलब तेरा दो छब्बीस तेरा भागे तेरा मैम वन निपटा दिया इसको तेरा गुड़ा तेरा का स्क्वायर वन मैम 169. So, क्या दिख रही है आपको मैम सबसे कम वैल्यू तो हमें शून्य दिख रही है अरे क्या ये no अच्छा तेरा घटा तेरा अच्छा तेरह माइनस तेरह इंग्लिश पढ़ लिए तो कर लिए नहीं कर पाए नहीं पढ़े तो फिर हो गया फिर ऐसा था यस वेरी गुड सबका सही है भाई सबका सही है अरे आप लोग का गलत हो सकता है क्या ठीक है hmm. यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस फार्मास्यूटिकल दिग्गज के बारे में कहा गया है अफ्रीका में कि सिप्ला एक मंदिर है सिप्ला ब्रांड जो चलता है ना अपनी दवाइयों का और साथ ही साथ डॉक्टर एक भगवान है ठीक है तो किसके बारे में कहा गया कौन से दिग्गज क्या दिलीप सांगवी हैं देशबंधु गुप्ता है या यूसुफ अमीद है या कि संप्रदा सिंह है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आई थिंक आपको भी पता होना चाहिए कई बार तो ऐसा होता है ना कि मैं मेरे को बीमार हो गई कुछ हो गया टाइफाइड हो फिर मेरे को ऐसा लगेगा डॉक्टर ने दवाई दी फिर मैं ठीक नहीं हो रहा फिर मैं डॉक्टर मैंने कहा आपने सिप्ला की दवाई दवाई नहीं दी ना मुझे मैं इसीलिए ठीक नहीं हो रही हूँ सिप्ला की दवाई ही सूट करती है और वही अच्छी होती है ठीक है तो ऐसा होता है ठीक है यस एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ लाइन लग चुकी है सी ऑप्शन की बहुत हार्ड यार अनिमेश सत्या आशुतोष राहुल लक्ष्य डेजी आशा राहुल दुर्योधन सुजीत पुनीत सब ने सी बहुत हार्ड बहुत ही बढ़िया बाबू बहुत यूसुफ हमीद

ठीक है पद्म भूषण टू थाउजेंड फाइव में साथ ही साथ बेटा साथ ही साथ ये याद रखना कि इनको सी एन एन आई बी एन मिला दो हजार बारह में तो दोनों अवॉर्ड आपको ध्यान में रखने हैं दो हजार पांच दो हजार बारह पद्म भूषण सी एन एन आई बी एन साथ ही साथ अबुल हमीद इनके पिताजी थे जो वो जो इनके फादर थे वो फाउंडर थे और ये चेयरपर्सन है तीन चीजें यहां पर आपको नई मिली हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके आगे एग्जाम के लिए क्लियर चलो मजा आ रहा है मैम हो गया अरे नहीं हो गया बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलो जल्दी से जल्दी लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अरे वाह अरे इसका आंसर कर दो यार इसका आंसर कर दो <laughs> इन में से किस जीव के पैर सबसे कम हैं? क्या सेंटपिडे यानी कि कन खजूरे के कौवे के चीटी के एलिफेंट के हा 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 ये सवाल तो मैम बहुत ही अच्छा सवाल था ठीक है पुनीत कुमार ने ऑप्शन किया कौवे का मैम चिल्ला चिल्ला के पुनीत कौ हैं यस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस तो मैं कहूं मेरा सवाल है चलो बता दो मेरा सवाल है कन खजूरे के पैर बता दो कोई कन खजूरे के पैर बता दो कोई सेंटीपीडे के सेंटीपीडे के पैर बता दो जल्दी से सेंटीपीडे के ये जो आ गया जो पास्ट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता वैसे भी पास्ट की इंपॉर्टेंस है नहीं लाइफ में ठीक है प्रेजेंट मैटर करता तो, है फ्यूचर मैटर करता है तो बेटा वैसे ही ना पास्ट तो हो गया कौवा यहाँ पर अब बच्चे ये तीन इन तीन पे भी फोकस जमा लिया करो इन तीनों को भी कभी ना कभी घुमा फिरा के आपके सामने ला ही देगा तो बेटा देख लो थोड़ा सा कन खजूरे में लगभग मिनिमम दस से बारह पैर उसके बाद लगभग सौ दो सौ तीन सौ पैर तक हो सकते हैं कौवे के सबसे कम पैर दो पैर होते हैं चीटी के छह पैर होते हैं ये भी नहीं पता लोगों को पता है। चीटी के छह होते हैं तीन इधर तीन इधर तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी देख लीजिएगा पैर होता भी है कनखजूरे में ये क्या दिख रहा है बेटा ये क्या दिख रहा है हैं पैर होते भी है कनखजूरे में <laughs> होते हैं बिल्कुल होते हैं कितनी होंगे यस मिनिमम दस है पुनीत मिनिमम दस, मैक्सिमम बहुत होते हैं उनके ठीक है भरोसा नहीं है ठीक है भरोसा नहीं है

एक लाडला बेटा कौन है यहाँ पर जल्दी बता दो हम्म ए ऑप्शन कैसे टिक किया बाबू राहुल कुमार बस ने हैं जो एक मैं देख रहे हो बेटा ए ऑप्शन ए ऑप्शन हाँ बिल्कुल 300 से ज़्यादा ही होते हैं लगभग 400 से कम होते हैं लीवर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर पागलों किडनी दो होती है कई बार एक निकलवा देते हैं एक से काम चल रहा होता है डायलिसिस होता है किडनी हमेशा दो होती है फेफड़ा हमेशा दो होता है लोग फेफड़े में कंफ्यूज हो जाते हैं फेफड़ा दो होता है लेफ्ट लंग एंड राइट लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ने वाले, पुरा -पुरा. Retina, भाई, दो है, तो रेटिना भी तो दो होगी ऐसा तो नहीं कि एक आंख में रेटिना और एक आंख बिना रेटिना की है और एक आंख बिना रेटिना की हो जाएगी तो बताओ जरा देख पाओगे क्या इमेज फॉर्मेशन होगा क्या अरे नहीं होगा ना कुछ नहीं होगा अरे कुछ नहीं होगा रेटिना यदि एक आंख में नहीं तो एक आंख बिल्कुल बिल्कुल अंधेपन के समान हो जाएगी जैसे काम ही नहीं कर रही तो लोगों को लगा ना एक क्या कुछ लोगों को लगा फेफड़ा ही क्या अरे हृदय के भैया फेफड़े दो हैं लेफ्ट लंग एंड राइट लंग ठीक है हां ठीक <laughs> है बच्चे ले लिए बिल्कुल लीवर एक होता है एक इकलौता है ये हमारा ठीक है ये इकलौता है लीवर इसीलिए कहते हैं कम ठीक है लीवर एक है बेटा बाकी सब दो हैं चलो बढ़िया आज का सेशन तो धुआंधार था यार मजा आ गया मुझे मजा आ गया मैंने तरुण सर ने कोमल ने मतलब भैया हमने सोचा कि मतलब बच्चों के लिए कुछ नया थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच बेटा इसी तरीके से हम तीनों फिर मिलेंगे आपके साथ कब अगले सैटरडे को फिर हर, अगले सैटरडे को जब तक के बी सी चलता रहेगा हम आते रहेंगे आप सभी के साथ मिलते रहेंगे इसी तरीके से सेशन करते रहेंगे और आज शाम को छह बजे करने वाले जनरल साइंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो शाम को छह बजे अद्वैत एजुकेशन पर जुड़ना ना भूलें यस मजा आ गया सभी को और हमें भी मजा आ गया सो थैंक यू सो मच एवरी लव यू ऑल मिलते हैं शाम को छह बजे थैंक यू